हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। जैसा कि देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये आपके कुछ पाँच सवाल दिए गए हैं और ये जो बॉक्स है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है आपको, टर्म्स फाइंड करने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग टर्म फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट टर्म दिया है और ये आपका सेकेंड टर्म खाली है, थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है। जो टर्म दिया हुआ है उसको सिंपली आप लिख लो। तो जो जो टर्म दिया हुआ है, जैसे कि आपका ए दिया हुआ है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो कि 2 है, इसको सिंपली आप A1 भी कह सकते हो। और A2 आपको फाइंड करना है। और एक चीज और देख सकते हो, A3 आपको दिया हुआ है। A3 क्या है, 26, ठीक है। तो अब आपको निकालना है A2। A2 सिंपली यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे होगा A+2-1, क्योंकि सेकेंड टर्म है, इंटू डी, ठीक है। तो सिंपली A+D आपको फाइंड करना है। देखो, A आपके पास है और D आपको निकालना है। D किस तरह से निकालोगे, तो सिंपली अगर आप थर्ड टर्म यहाँ देखोगे, A3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+3 में से 1 घटाएंगे तो 2D हो जाएगा, ठीक है। और A+2D ये आपके पास गिवन है, जो कि है 26, ठीक है। और A आपके पास कितना है, A है आपके पास 2। तो यहाँ पे अगर हम A की जगह पे 2 लिखें, 2+2D = 26, ये साइन बना लो। अब देखो, A3 आपके पास 26 ऑलरेडी दिया हुआ है और A आपके पास 2 है, तो यहाँ से 2D = 26 - 2 24 हो जाएगा, और 2D = 24 यहाँ पे आ गया। और इससे इसको काट दोगे तो D = यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। D जब 12 आपके पास आ जाएगा तो ये जो आपके पास टर्म है इसमें पुट कर दो, तो A2 = क्या लिख सकते हो, A+D। A आपके पास कितना है, A आपने नहीं गिवन है जो कि 2 है, प्लस, और D आपके पास कितना है जो कि 12 है। तो यहाँ पर से 2+12 = 14। तो सिंपली जो आपका A2 हो गया, ये 14 हो गया। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देख सकते हो आप, A1 आपके पास नहीं है, A2 है, A3 नहीं है, A4 है। जो सबसे पहले है उसको लिख लो। जैसे कि आपके पास A2 है, A2 आपके पास 13 है और A4 आपके पास 3 है, ठीक है। A1 आपके पास नहीं है जो कि फाइंड करना है, और A3 आपके पास नहीं है जो कि आपको फाइंड करना है। सिंपली जो आपके पास है, जैसे कि आपके पास A2 है, तो A2 को अगर आप लिखोगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, A+2-1 × D, ठीक है। तो इसको एक बार और लिख लो, A2 आपके पास कितना है, A2 आपके पास है 13 और A+D। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास A4 है, जो कि आप लिख सकते हो A+4-1 × D। A4 आपके पास कितना है, A4 आपके पास 3 है और A+3D इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से 2 इक्वेशन आपके पास हो गए। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं नेक्स्ट पेज में चले जाता हूँ, या यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली लिख लो 13 = A+D, जो कि आपका इक्वेशन 1 है। लिख लो सिंपली सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, और सेकेंड वाला लिख लो यहाँ से, ये A+3D, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ माइनस लगाओ। तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, -3D + D, यहाँ पे -2D हो जाएगा = 13 - 3, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो -2D = आपका हो जाएगा 10 और D = -5 हो जाएगा। सिंपली डिवाइड में ले आया और माइनस इस साइड से, तो D आपके पास कितना हो गया, -5 हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू पुट करोगे। जैसे कि मान लो एक इक्वेशन में ये ले लेता हूँ 13 प्लस ये जो आपका इक्वेशन है, ये इसको आप यहाँ पे इस साइड लिख लो,
जैसे लिख लो 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और आपने देख सकते हो यहाँ पे ये जो डी है ये -5 निकला है। सिंपली क्या करो, पुट डी इज इक्वल टू -5, 13 इज इक्वल टू ए प्लस, और डी आपका -5 है। और एक काम करो, इस 5 को उधर ले आओ, तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहाँ से ए कितना आ गया, ए आपका 18 आ गया। तो ए आपके पास आ गया 18, ए आपके पास आ गया 18, पीछे मैं करता हूँ यहाँ पे देखो, हाँ ए आपके पास 18 आ गया। अब आपको निकालना है ये जो आपके पास थर्ड टर्म है इसको, तो यहाँ पे सिंपली निकालो, A3 निकालना है आपको, तो A3 आपको फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए आपके पास है जो कि 18 है, प्लस 3 माइनस 1 2, और डी आपके पास -5 है, इंटू -5, यहाँ से 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास A3 आ गया, A2 आपके पास पहले से था जो कि यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ, A2 आपके पास कितना है, 13 है। A1 आपके पास कितना है, जो कि आपने निकाला है ये 18 है। और A4 जो कि आपके पास ऑलरेडी गिवन था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हो 3, तो बस इसको यहाँ पे लिख देना है 3। तो देख सकते हो एक सीरीज हो गया यहाँ पे, 18 देन 13 देन 8 देन 3, ये आपका एपी में सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 को फाइंड करेंगे हम, तो इसमें कुछ टर्म्स जैसे कि आपका ए वन है, देन ए टू आपको निकालना है, ए थ्री निकालना है और ए फोर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए फोर, ए फोर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए फोर आपके पास कितना है, ए फोर आपके पास 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 इज इक्वल टू ए प्लस 3 टी। और यहाँ से करोगे तो 18 वन 19/2 हो जाएगा। और यहाँ से ए कितना है आपके पास, यहाँ पे सिंपली लिख लो, ए आपके पास है 5, ए 5 पुट कर दो तो 5, ये 5 है, 5, इसको कुछ और मत समझना है, ये 5 है, ठीक है, 5 प्लस 3 डी। और 5 को इधर ले आओगे तो 19/2 -5 इज इक्वल टू 3 डी। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे, सिंपली 10 हो जाएगा, ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 2 होगा, और यहाँ पे ये 19 हो जाएगा, और ये 5 को इधर 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 डी। और यहाँ से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 9, 9/2 इज इक्वल टू 3 डी। और यहाँ से देखो 9/2 इंटू 3, तो इसी से काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका हट गया डी इज इक्वल टू 3/2। एक बार और लिख लो, डी इज इक्वल टू 3/2, तो डी आपका आ गया 3/2। अब आपको फाइंड करना है ए टू, तो ए टू कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो, ये आपके पास है, ये कितना है आपके पास, ये देख सकते हो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखो ये 5, और डी आपके पास है 3/2, डी आपके पास है 3/2, तो आपको ए टू फाइंड करना है। तो ए टू फाइंड करने के लिए ए प्लस डी करोगे, तो ए आपके पास 5 है और डी आपके पास 3/2 है, इसको प्लस करो, 5 टू 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया 13/2। तो ये आपका ए टू आ गया। इसके बाद आपको ए थ्री फाइंड करना है, तो ए थ्री किस तरह से फाइंड कर सकते हो, वो भी इजी है। सिंपली ए थ्री फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ए थ्री लिखो यहाँ पे, ए थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास 5 है, प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना फाइंड करना है, ए टू ए थ्री, ये फाइंड हो गया, इजी था, बस इतना ही फाइंड करना है आपको। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 के 4 में, तो इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें कुछ नहीं फाइंड करना है, सिंपली आपके पास ए दिया हुआ है जो कि है -4, और ए 6 दिया हुआ है जो कि है 6, ठीक है। सिंपली जो गिवन है उसको लिख लो, ए 6 इज इक्वल टू होता है ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए 6 आपके पास कितना है, 6 है, और ए प्लस
5d हो गया। देखो ए आपके पास गिवन है जो कि है -4, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5d, और यहाँ से देखो 6 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 5d, और यहाँ से एक स्टेप आउट करो 10 इज इक्वल टू 5d, और यहाँ से d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो देख सकते हो d 2 आ गया। अब सिंपली आपको फाइंड करना है क्या, अब देखो d आपके पास 2 है, a -4 है, तो यहाँ पे लिख लो d इज इक्वल टू 2 और a आपके पास क्या है -4 है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है a2, ए टू फाइंड करने के लिए ये ए प्लस डी होता है और ये -4 प्लस 2, तो ये -2 होगा। देन ए थ्री फाइंड करना है तो सिंपली ए प्लस 2d इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया -4 और ये हो गया +4, तो ये 0 हो गया। देन ए थ्री हमने फाइंड कर लिया, ए फोर फाइंड करो, ए प्लस 3d जो कि आपका होगा -4 प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 6, तो यहाँ से 2 हो गया। देन ए फाइव फाइंड करो, ए प्लस 4d इज इक्वल टू, ये आपका -4 हो गया प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ से -4 और प्लस 8, तो यहाँ से 4 हो गया। तो यही बस इस क्वेश्चन में फाइंड करना था आपका, ए टू ए थ्री ए फोर ए फोर ए फाइव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे ए वन नहीं दिया हुआ है, ए टू है, ए थ्री ए फोर ए फाइव नहीं है, ए सिक्स है। जो गिवन है उसको लिख लो, जैसे कि ए टू है आपके पास, ए टू है 38 और ए सिक्स है आपके पास -22, तो इसको लिख लो, ठीक है। तो ए टू को जब आप लिखोगे तो सिंपली ए टू इज इक्वल टू लिखोगे ए प्लस डी, तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ए सिक्स को आप लिखोगे ए प्लस 5d। तो इसको एक बार और प्योरीफाई कर लो, जैसे कि 38 सिंपली यहाँ पे लिखो, 38 इज इक्वल ए टू को हम लोग लिखे 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, इक्वेशन वन सिंपली लिखो, इक्वेशन वन एंड टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट लिखोगे तो ये हो गया। अब देखो ए सिक्स कितना है, ए सिक्स आपका -22 और ये हो जाएगा ए प्लस 5d, इक्वेशन सेकेंड। अब एक बार माइनस करो, यहाँ पे माइनस में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और 38 और 22 करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4d -4d, और यहाँ से d इज इक्वल टू -15 आ जाएगा, ठीक है। d -15 आ गया। अगर आप इसको पुट d इज इक्वल टू -15, इसको आप इक्वेशन वन में पुट कर दो, जो भी है आपका ए टू, ए टू कितना 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो -15 हो जाएगा, और यहाँ से 38 प्लस 15 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर ए फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 53, तो ए आपका हो गया 53 और डी आपका हो गया -15, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो, ए आपका हो गया 53 और डी आपका हो गया -15, ठीक है। बस इतना ही इसमें फाइंड करना था। अब उसके बाद सिंपली आप ये आपका निकल गया 53, अब ए थ्री फाइंड कर लो जो कि होता है ए प्लस 2d, तो 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 माइनस 30 करोगे तो ये आपका 23 हो जाएगा। ए फोर अगर आप फाइंड करते हो तो सिंपली ए प्लस 3d, 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 45, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8। ए फाइव फाइंड करते हो तो ए प्लस 4d इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15, तो ये आपका हो जाएगा 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Thank you.